एक गली टेक पाए किसी में हम थोड़ा बहुत वॉक कर रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और मैं तो जैसी हूँ वैसी हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं नहा वहा ली हूँ क्योंकि मुझे आज डॉक्टर के पास निकलना है। आज मंगलवार है और सुबह मैंने थोड़ा सा ऐसे ही उठती हूँ तो थोड़ा सा गली जैसा है ना, जो कि मैंने दिखाया वहाँ पर, मैं थोड़ा सा टहल वहल लेती हूँ क्योंकि एक रूम छोटा सा मैंने पड़े पड़े और ज़्यादा मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी। तो अभी हम नहा वहा के रेडी हो चुके हैं और चाय बन चुका है तो हम बस अब चाय पीने वाले हैं। फिर चाय पियेंगे और चाय पी के जस्ट हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी चाय है, आप भी आइए चाय पी लीजिए। और यहाँ पे थोड़ा सा नॉइस आता होगा, अगल बगल की साउंड आती होगी तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है जो मैं जैसे चाहूँ वैसे वीडियो बना लूँ। तो बस यही मैं चाय ले रही पी रही हूँ और फिर अब मैं आपसे मिलती हूँ निकलने के बाद। मैं कुछ अभी रेडी नहीं हूँ, सिर्फ मैं नहा कर जस्ट आई हूँ और मुझे रेडी भी नहीं होना है, बस अपने बाल को सही करूँगी निकल लूँगी। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, घूमने वूमने जा नहीं रही हूँ। बस हल्का सा अपना स्किन केयर रूटीन करते हैं ना वो करूँगी बस। और मैं चाय पीने के बाद से थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन करके उसके बाद मैं निकलती हूँ तो आप लोगों से मिलती हूँ। तो फिर से देखिए हम रेडी हो चुके हैं, बस मैंने सिंदूर बिंदी लगाया और कुछ नहीं किया, थोड़ा सा लिप बाम लगाई हूँ और अभी मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। फ्रेंड्स, ये रहा भेलौर का CMC हॉस्पिटल, शॉर्टकट नेम है CMC, ऐसे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बुलाता है। और ये देखिए ये है एंट्री गेट और ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। जैसा कि आप देखें ना, मतलब ऑटो में जब मैं जा रही थी तो वहाँ से लेके वहाँ तक, जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से स्टार्टिंग तक। और ये देखिए, और यहाँ से ये देखिए, मतलब इतना प्यारा व्यू नज़ारा अच्छा लगता है ना, पहाड़ ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सुंदर दिखते हैं जब आप गेट से निकलते हो। तो ये गेट ऐसे ही है, मतलब जैसे जो इंसान बिना, मतलब ऐसे पैदल आ रहा जा रहा है तो इधर से निकलता है। बाकी मेन गेट एक नंबर बोला जाता है जहाँ से ऑटो वगैरह रुकती हैं। और ये देखिए इस पर पूरा लिखा हुआ है, तो मैंने कैप्चर किया कि ताकि आप लोग को थोड़ा सा ये हॉस्पिटल भी दिखा दूँ। वैसे मैं पिछली वीडियो में भी डाली हूँ जब पिछली बार आई थी, बट इस बार थोड़ा सा अच्छे से मैं डाली। और ये देखिए क्रिश्चियन मेडिकल स्कूल कॉलेज बोला जाता है इसे, CMC शॉर्टकट नाम है इसका। तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इसी हॉस्पिटल के अंदर मतलब मेडिसिन बनने का कंपनी भी है, दवा भी इसी हॉस्पिटल में ही बनता है। और ये देखिए यहाँ से हम, आज का दिन ना जिस दिन ये मैं दिखा रही हूँ, दूसरा दिन का वीडियो है, संडे का दिन था तो बहुत कम भीड़ थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाई, वरना जिस दिन भीड़ होती है ना बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाती। और इसी में चर्च भी है तो मैं आप लोग को चर्च का भी दर्शन कराऊँगी। इसी हॉस्पिटल में चर्च भी है और बहुत प्यारा सा पार्क भी है। तो बहुत कुछ इस हॉस्पिटल के अंदर है लेकिन इतना कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि रिकॉर्डिंग ऐसे अच्छा नहीं लगता करना और करने भी नहीं देंगे शायद, हर जगह का रूल्स अलग होता है। तो ये देखिए चर्च है और यहाँ पे जो क्रिटिकल पेशेंट आते हैं पहले यहाँ पे मत्था मतलब टेकते हैं, अपना मन्नत मांगते हैं, उसके बाद जाते हैं। माना जाता है कि इस हॉस्पिटल में दवा और दुआ दोनों काम करता है दोस्तों। तो ये देखिए पार्क भी है और अच्छा पार्क के जस्ट सामने चर्च भी है, कि दुआ भी करते हैं तो बहुत सक्सेसफुल होता है। उसके बाद सीधे हम हॉस्पिटल में आते हैं। तो ये जैसे बताया कि संडे का दिन था और मुझे अपॉइंटमेंट लेना था,
तो मैं इसी में डाल दी कि वीडियो दो बनाना क्या फ़ायदा, तो मैं इसी में इसको भी ऐड कर दूँ। तो ये देखिए बहुत खाली था, जिसे अपॉइंटमेंट लेना था वही सिर्फ संडे को दिन गए थे हम, और पूरा मतलब उतना भीड़ नहीं होती है। और ये देखिए कितना लंबा है, जब ये भीड़ होती है ना तो बाप रे बाप, पूरा काउंटर पे आपको कोई भी नहीं दिखेगा, पूरा काउंटर भरा रहता है। हम मतलब बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। कोरोना वरोना का कोई यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ मास्क लगाए रखिए, दूरी वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि बहुत भीड़ ही इतना होती है कि कितना दूरी करेंगे समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद हम ये देखो कुछ इस तरीके से हॉस्पिटल में बहुत जितना हो सका मैं उतना कैप्चर कर पाई हूँ, ताकि आप लोग देख लें कि हाँ मतलब कैसा हॉस्पिटल है। तो हम लोग जा रहे थे, बहुत बड़ा बहुत दूर में हॉस्पिटल है ये, मतलब 13-14-15 मंजिलें शायद होंगी, ये जितने ऊपर देख रहे हैं ना छोटी छोटी सब मंजिलें ही हैं। चलिए, और ये एक नया प्राइवेट गेट बना है, गेट बना है, जो कि यहाँ भी अब अपॉइंटमेंट यहाँ लगने लगा है, पहले उधर लगता था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए जितना मंजिलें देखो ना 15-20 मंजिलें होंगी, उतना लंबा चौड़ा दिख रहा है। तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इसमें मतलब, और जो इसमें इस हॉस्पिटल में जो रियल ये हॉस्पिटल है कैंसर ट्यूमर ये सब का, तो इन सब का चीज़ ये सब ये जो दिखा रहा है ना, इधर में तो सिर्फ नॉर्मली मतलब हर तरह की बीमारी का इलाज होता है, अपॉइंटमेंट होता है, डॉक्टर बैठते, बाकी जो कैंसर और ट्यूमर का जो ये इसमें हॉस्पिटल है वो ना उधर हटके है, बहुत मतलब अलग में है वो हॉस्पिटल, और उधर अलग से ही डॉक्टर्स वगैरह बैठे रहते हैं, अलग से ही सब कुछ है। और ये नॉर्मली जो जैसे नॉर्मल हल्का फुल्का जो किसी को कैंसर टच किया है या हल्का फुल्का कुछ है ना, तो उसमें यहाँ पे इलाज होता है, बाकी ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट होते हैं ये सब के, कैंसर वगैरह ट्यूमर वगैरह के मतलब ये सब जो होते हैं, तो उधर उनका है हॉस्पिटल, तो उधर तो मैं भी नहीं देखती हूँ, और नहीं उधर जब आपको काम नहीं तो उधर जाने भी नहीं देते हैं। और ये देखिए मतलब बहुत हॉस्पिटल, ये देखिए यहाँ पे इनका ये लिखा हुआ है सुधीर सेंसिटरी कैंसर, और ये OPD बोला जाता है। यहाँ से आप ऊपर चढ़ते हैं तो बहुत ऊपर में जाइएगा तो मतलब 215-14-222-223 तक मतलब डॉक्टर बैठते हैं, और 222-223 तक रूम है। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ तो थोड़ा सा मैं ले ली, मैं सोची कि बात करूँगी, लेकिन इतना भीड़ इतना शोर था कि मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। बस यहाँ पर हम बैठे थे, वेट कर रहे थे क्योंकि मेरा टाइम नहीं आया था, और ये नेक्स्ट दिन का हो गया है, जिस दिन मुझे सोमवार को जाना था तो उस दिन का ये है, तो उस दिन मैं गई हूँ मंगलवार को आई थिंक, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए लाइन लगी है, सब लाइन में अपने जाएंगे ऊपर, उसके बाद चलिए आप लोग इंजॉय कीजिए। मैं वॉइस ओवर इसलिए आप लोग कर रही हूँ, थोड़ा सा बता दूँ कि हाँ ये हॉस्पिटल, और यहाँ पे लैंग्वेज भी थोड़ा सा आप सुन लीजिए कैसे है। तो यहाँ पे बहुत दौड़ना पड़ता है दोस्तों, बहुत दौड़ना पड़ता है, इधर से लाइन लगो उधर जाओ उधर जाओ, मतलब दिन भर में ना हम एकदम थक से जाते हैं अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो, बहुत दौड़ना पड़ता है। लेकिन हाँ इलाज यहाँ का बहुत अच्छा है और सब कुछ अच्छा है, डॉक्टर्स वगैरह भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं समझाते हैं। और ये OPD ब्लॉक है तो इसमें ही हम जाएंगे, और यहाँ पे देखिए टेम्परेचर चेक करेंगे आपका, बाकी सब कुछ टेम्परेचर चेक करेंगे, उसके बाद आपको भेजेंगे। और यहाँ पे ना एक फीता देते हैं जो कि आपको अपने हाथों में जब बांधिएगा ना तो वही हाथ में बांध के आपको ऊपर लिफ्ट से जाना होगा, वरना ऐसे नहीं जाने देंगे। तो चलिए आगे आप इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे हमें फीता मिल गया, और दो फीता मुझे मिला, बच्चा का नहीं मिलता है, तो दो फीता हम ले लिए और हाथ में बांध लिए, क्योंकि ये बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये फीता आपके हाथ पे नहीं रहेगा तो ना ही आपको लिफ्ट में एंट्री मिलेगी, ना ही आप ऊपर डॉक्टर के पास जा पाइएगा, एंट्री नहीं मिलती है, ये बहुत ज़रूरी होता है, ये आपको मिलेगा तभी आप एंट्री मिलता है आपको। तो मुझे मिल गया, अभी जैसे मैं ऊपर आ गई हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, और मेरा नंबर 11 शायद 12 नंबर पे था, लेकिन 11-12 नंबर बहुत टाइम लगता है। ये देखिए मेरे डॉक्टर का नाम है, जहाँ पे मेरे डॉक्टर हैं यहीं पर, डॉक्टर रविकर राफले ये मुझे देख रहे थे, मेडिसिन मतलब मुझे डॉक्टर दिख रहे मेडिसिन डॉक्टर से, ये मेरा दूसरा डॉक्टर है मेरे,
जिसके फीवर के लिए देख रहे हैं, और बाकी जो मेरे लीवर के डॉक्टर हैं वो दूसरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर गोयल करके है कुछ ऐसे ही। तो यहाँ पे सब लाइन लगा हुआ है, जिसका जिसका नंबर आ रहा वो लाइन में खड़ा हुआ है। मेरा बहुत देर बाद नंबर आया। और यहाँ की एक ख़ास बात बहुत अच्छी मुझे लगी दोस्तों, कि मैंने जो देखा एडमिट, आज ही के दिन मुझे एडमिट कर लिया गया था। तो जब यहाँ पे आप एडमिट होते हो ना, तो आपको जो पहला दिन होता है हॉस्पिटल में ना, तो आपके पास आते हैं चर्च के फादर्स और आपको आशीर्वाद देते हैं, उसके बाद आपका मतलब ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। इससे नहीं होगा तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे डॉक्टर मुझे देख लिए थे, और मुझे देखने के बाद डॉक्टर बोले मुझे एडमिट होना होगा। एडमिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछली बार भी एडमिट होने के लिए बोले लेकिन हम एडमिट नहीं हुए चले हैं, लेकिन इस बार बोले कि नहीं एडमिट होना ही है। तो एडमिट होने से पहले यहाँ पे आपका कोविड टेस्ट होता है, अगर कोविड आपका टेस्ट में आपको नेगेटिव निकलता है तो ही आप एडमिट होते हैं, पॉजिटिव निकलता है तो आपको फिर वो 15 दिन रखते हैं। तो यहाँ पे कोविड टेस्ट के लिए हम आ गए, और ये ना पहले रेस्टोरेंट हुआ करता था, तो अभी कोविड जब से हुआ है ना तब से कोविड टेस्ट का मतलब ये बन गया है। तो यहाँ पे बहुत लोग हैं कोविड टेस्ट के लिए, एक रीज़न पूछते हैं कि आपको किस रीज़न के लिए कोविड टेस्ट हो रहा है, तो मुझे रीज़न बोलना पड़ा कि मुझे मतलब एडमिट होना है हॉस्पिटल में इस वजह से। और यहाँ पे बहुत अच्छा ठंडा हवा भी चल रहा था, तो मैं थोड़ा सा ऐसे रिकॉर्ड कर रही थी। और मेरा मतलब टेस्ट का टाइम आ चुका था, लंच वंच करके हम आ चुके थे, तो उसके बाद बैठे थे, मेरा टाइम आने वाला था। मैं बहुत घबरा रही थी दोस्तों, मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो, क्योंकि मुझे उस टाइम ना जुकाम सर्दी भी हो रखी थी और बुखार भी बहुत होता था, तो मुझे बहुत डर लगता था। और यहाँ पर देखिए मास्क लगाई हूँ तो निकाल रही हूँ, क्योंकि ये मास्क मैं जब लगाती हूँ मुझे बहुत खुजली होने लगती है। मैं दूसरा मास्क रखती हूँ अपना, वो ठीक कॉटन कराता है, ये ना मुझे बहुत खुजली करने, तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा ले रही थी। और यहाँ की एक बात बहुत अच्छी है कि मेरा रिपोर्ट भी इसी में बता दे रही हूँ, कि मैं अब दूसरा कोई वीडियो इसके रिलेटेड नहीं डालूँगी फ्रेंड्स, एक ही वीडियो बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा कोविड टेस्ट भी हुआ, मुझे निगेटिव आया कोविड टेस्ट मेरा। निगेटिव होने के बाद मुझे एडमिट लिया गया, एडमिट लेने के बाद मुझे चार दिन तक एडमिट रहूँ मैं, चार दिन के बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया। और यहाँ की एक ख़ास बात मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों, वो अच्छी लगी कि यहाँ पे जो चर्च के फादर होते हैं ना, जो इंसान एडमिट होता है ना उसको आके आशीर्वाद देते हैं, और अपना आशीर्वाद दे के हाथ रख के सर पे जाते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे भी आशीर्वाद दिए हाथ रख के सर पे, तब आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मटर गस्ती कर रही थी, तो मैंने क्लिप ऐड कर लिया कि चलो मम्मा देखो मैं कैसी लग रही हूँ, बोल रही। बच्चों को समझ नहीं आता है कि आप पे क्या परेशानी क्या नहीं है फिर भी। और यहाँ पे मैं देखिए एडमिट होने के लिए मैं आ चुकी थी, तो पहले ये कोविड टेस्ट हुआ था, तो मुझे 4 घंटे इस वार्ड में रखा गया था। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आज मेरा हॉस्पिटल में 4th दिन है और आज मुझे डिस्चार्ज मिल रहा है। और आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक लग रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, वीकनेस मतलब मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन अब मुझे डॉक्टर बोले डिस्चार्ज ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत पेशेंट आ रहे हैं, अब लॉकडाउन खुल गया है उनका, तो बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, तो बोले कि आपके लिए सेफ नहीं है, इसलिए आप रूम से ही आइएगा। तो मुझे अब रूम से ही आना होगा, और फिलहाल तब तक के लिए मैं मतलब मुझे दिखा दिया गया है। और ये देखिए, ये मेरे हाथों में ऐसे पानी वानी चढ़ इंजेक्शन चढ़ता था, इसी से बहुत बड़े बड़े इंजेक्शन होते थे तो वो इसी से चढ़ता था। और अभी
और अब ये सब खुल जाएगा और बस अभी मैं मुझे दवा दे दिया है और दवा वगैरह मुझे मिल गया और देखिए कब तक डिस्चार्ज होती हूँ। तो मैं सोची थी थोड़ा सा और बहुत वीकनेस लग रहा है बहुत दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा वीक लग रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है और सब कुछ खुलवा देते हैं ना हॉस्पिटल में, तो बस मैंने ये परमिशन लेकर माता रानी से रखा था, बाकी सब कुछ खुल चुका था और अब मैं घर चल के बात करूँगी आपसे और जब डॉक्टर आते हैं तो अलाउ नहीं है, बट मैं ये देखिए पर्दे लगे हुए हैं ना तो इस वजह से, और पीछे मेरा नाम लिखा हुआ है 7 नंबर वार्ड मेरा था। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स मैं एडमिट हो चुकी थी और मुझे आज 4 दिन हो चुका था, आज मुझे डिस्चार्ज मिल रहा था और ये देखिए मोबाइल भी चला रही है, टॉफ़ी खा रही है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चों को अपने बेड पे तो क्या कर सकते हैं, फ्रेंड्स बच्चे माँ बाप से दूर नहीं रह सकते आपको ही पता है, और इसे ये हमेशा बहुत मतलब दुखी रहती थी और आज ये बहुत खुश थी कि मैं घर जा रही हूँ, इस वजह से बहुत खुश थी। तो मेरे साथ अपना लिपट के मम्मी कर रही थी, तो भगवान माता रानी की कृपा है, अब हम क्या कर सकते हैं, जब मैं हूँ और मेरी बेटी अकेली ही है तो फिर और क्या कर सकते हैं, कितना हम दूर रख सकते हैं इसको। तो ये कुछ इस तरीके से बात का, और यहाँ पे मैं लास्ट में आई हूँ, मुझे वहाँ से जब मुझे रिलीफ थोड़ा सा मिला, तो फिर जब रिलीफ मिलता है पेशेंट को तो डॉक्टर दूसरे वार्ड में भेज देते हैं जहाँ पे रोगी पेशेंट बहुत कम रहते हैं, तो मतलब बहुत कम बीमारी वाले पेशेंट रहते हैं, तो यहाँ पे फिर लास्ट में भेज देते हैं 1-2 दिन के लिए जब लगता है कि हाँ इन्हें रिलीव हो चुका है तब। तो ये बहुत अच्छा लगा कि आप रिलीव हो या ना हो एक ही जगह आप रहो, और आज मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कॉमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और यहाँ पर इनका चालू हो चुका है मटर गश्ती, ये अपना अजीब गरीब मुँह बना रही है और अपने आप से बोल रही है, लेकिन ये क्या बोल रही थी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ये अपने अंदर ही बोल रही थी, सिर्फ मुंह चला रही थी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले करते हैं बाय बाय, लेकिन सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा।